दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी राजधानी में लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने से नाराज कई हिंदूवादी संगठनों ने मार्च निकाला और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असल में अलवर में बीते दिनों अवैध कब्जा हटाने के दौरान प्रशासन पर एक पुराने मंदिर को भी तोड़ने का आरोप लगा था। जो मंदिरों का निर्माण है वो जल्दी 2 या 3 दिन में शुरू कर देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया। इस जिम्मेदारी को संभालने से करीब 1 हफ्ते पहले उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। उधर यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। पुतिन की सेना ने न वहां केवल बम बल्कि मिसाइलें भी बरसाई, जिसकी वजह से ज़ापोरिज़्या के कई इलाके तहस नहस हो गए। रूसी हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। वहां की ज्यादातर इमारतें पूरी तरह ढक चुकी थी। कुछ मकानों में तो हमले की काफी देर बाद तक आग लगी रही, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी घंटों डटे रहे। इसके अलावा रूसी सेना ने वहां की कई फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रूस और पश्चिमी देशों में टकराव अब और बढ़ता दिख रहा है। रूस ने कुछ और देशों की प्राकृतिक गैस सप्लाई को काटने की धमकी दी है। रूसी रूबल में भुगतान न करने वाले देशों की गैस आपूर्ति जल्द बाधित हो सकती है। अब तक पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रुक चुकी है। बुल्गारिया को रूस से 80% गैस मिल रही थी। रूस के इस कदम के बाद यूरोप में गैस की कीमतों में उछाल आया है। यूरोपीय नेताओं ने रूस के इस कदम को ब्लैकमेल करने वाला बताया है। यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। शहर के एक संयंत्र पर 3 बड़े मिसाइल हमले किए गए। रूस का दावा है कि उनकी सेना ने पश्चिमी देशों के जरिए भेजे गए एक बड़े गोला बारूद के बैच को नष्ट कर दिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि इस संयंत्र का सैनिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। मिसाइल हमले के बाद बड़े स्तर पर तबाही हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाती हुई नजर आई। 2 महीनों से चल रही जंग में रूस ने अब एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर ढा रहा है। रूस ने अपने खतरनाक हथियार UR-77 मेचुरीत से मारियोपुल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर फिर हमला किया। अब तक यूक्रेन ही रूस के इस बेहद मारक हथियार का इस्तेमाल अपने रिहायशी इलाकों पर करने का आरोप लगाता रहा, लेकिन अब तो खुद रूस की मीडिया ने उसके हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें बारूदी सुरंगों को तबाह करने वाला रूस का यह हथियार अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले की तैयारी करता नजर आया। पहले यह गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां से धूल और धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठता नजर आया। रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सेना ने अजोवस्ताल प्लांट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बनाया, जहां यूक्रेन के कुछ सैनिकों के छिपे होने की आशंका थी। महाराष्ट्र में हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। महाराष्ट्र के धुले में हथियारों का जखीरा मिलने से हड़कंप। 4 आरोपियों के पास से 89 तलवारें और 1 खंजर बरामद। राजस्थान से महाराष्ट्र के धुले आ रही थी हथियारों की खेप। पूरे मामले की जांच जारी। नोएडा की गार्डन गैलेरिया मॉल की लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस रद्द। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई। रघुराज सिंह के नाम पर था लाइसेंस। घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस की सख्ती। सभी मॉल पब और बार में कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य। बॉम्बे हाईकोर्ट से एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को राहत। पुणे की कथित जमीन सौदे मामले में 20 जून तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। उधर डोनेस्क में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भारी गोलाबारी करने का दावा किया। खबर है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी उन इलाकों में एक के बाद एक कई बम बरसाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के जंगी जहाज आसमान में गरजते दिखाई दिए। इन हमलों की वजह से वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके साथ ही कई जगहों से धुआं उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खार्किव में जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है। खार्किव के कई इलाकों में जंग जारी है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग जारी है।
वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस की बेहद घातक मिसाइल कैलिब्र पनडुब्बी से दागी गई। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में कैलिब्र क्रूज मिसाइल का हमलों के लिए कई बार इस्तेमाल किया और दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब उसने कैलिब्र की ताकत को पनडुब्बी से दाग कर दिखाया। हालांकि रूस की पनडुब्बी ने ये मिसाइलें किस इलाके में दागी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक पनडुब्बी से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकलती दिखाई दी। रूसी पनडुब्बी ने इसी तरह कई कैलिब्र मिसाइलों को आसमान में दाग कर उनकी ताकत दिखाई। और ये तस्वीरें जंग के बीच यूक्रेन की चिंता को और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि रूस ने क्राइमिया में तैनात अपनी पनडुब्बी में कैलिब्र मिसाइलें लोड कर दी। मतलब ये कि समंदर के रास्ते यूक्रेन पर हमले का खतरा और बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने समंदर से ही कैलिब्र मिसाइल को यूक्रेन के कई शहरों पर दागा था, जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी। जेलेंस्की की चिंता इसलिए भी और बढ़ सकती है क्योंकि कैलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि रूस अब इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसके बाद कैलिब्र क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद नाश्ता मिलेगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब प्रसाद के तौर पर नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में श्रद्धालुओं को चाय और पोहे के अलावा कभी कभी खिचड़ी भी दी जाएगी। यूपी सरकार ने आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि वो पिछले 7 महीने से बिना बताए छुट्टी पर हैं। यूपी के मथुरा में 2 लोगों पर एक मजार को भगवा रंग में रंगने की साजिश रचने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नजर आया रूस की